जादुई फूल गोभी। ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां रेखा अपने गरीब माँ बाप के साथ रहा करती थी। रेखा के माँ बाप मजदूरी का काम किया करते थे और उनके काम पर जाने के बाद रेखा ही घर का सारा काम संभाला करती थी। वो महज 12 साल की छोटी बच्ची थी, मगर घर का सारा काम कर लिया करती थी। एक दिन मजदूरी करते हुए ठेकेदार के सामान में से कुछ चोरी हो गया और उस चोरी का इल्जाम उसने सारे मजदूरों पर लगा दिया। तुम गरीब लोग जरा सा महंगा सामान क्या देख लेते हो, लालची हो जाते हो, और तुम सोचते हो ठेकेदार पागल है, उसे पता नहीं चलेगा तुमने चोरी की है। जल्दी से मुंह खोलो और बताओ किसने सामान चोरी किया है, वरना। साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं करा, हम तो गरीब आदमी है, हमें चोरी करके अपनी दो वक्त की रोटी कोई छोड़नी है, इसी पर तो हमारा घर चलता है, भला हम अपने पेट पर लात क्यों मारेंगे। मैं तुम सबको अच्छे से जानता हूँ, पहले चोरी करते हो फिर झूठ भी बोलते हो, आज से तुम सब यहाँ काम नहीं करोगे, अब आज से काम छोड़कर चले जाओ, तुम्हारे चक्कर में अब मालिक मुझे डांटेगा। साहब, हमारी आज की मजदूरी तो दे दो। मजदूरी? कैसी मजदूरी? मेरा एहसान मानो, मैंने तुम सबको चोरी के इल्जाम में जेल में नहीं भेजा और ना ही हमारे नुकसान की भरपाई मांगी, अब निकल जाओ यहाँ से। ठेकेदार सारे मजदूरों को निकाल देता है। रेखा के माता पिता मायूस सी शक्ल लेकर घर वापस आ जाते हैं। क्या हुआ मम्मी पापा, आप दोनों बड़े उदास लग रहे हो और घर भी जल्दी आ गए, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं बेटा, तू आज खेलने नहीं गई? मैं गई थी पापा, मगर मैं जल्दी आ गई, आप बताओ ना क्या हुआ। रेखा की माँ कुछ नहीं कहती और उदास मुंह बनाकर एक कोने में बैठ जाती है। रेखा चुपचाप जाकर अपनी माँ से पूछती है, माँ क्या हुआ, आप और पिताजी इतने उदास क्यों हो, कोई परेशानी है क्या? बेटा, हम जहाँ काम कर रहे थे उन्होंने हमें निकाल दिया, क्योंकि उनके यहाँ चोरी हो गई और उन्होंने हम सब मजदूरों पर इल्जाम लगाकर हमें निकाल दिया, अब हम क्या करेंगे इसी बात की चिंता है। कोई बात नहीं माँ, हम कुछ ना कुछ दूसरा काम खोज लेंगे, आप इतनी चिंता मत कीजिए। रेखा के माता पिता अगले दिन काम ढूंढने जाते हैं। उन्हें मजदूरी का तो कोई काम नहीं मिलता, मगर उन्हें एक खेत संभालने का काम मिल जाता है। ये मेरा खेत है और ध्यान रखना, इस खेत को अच्छे से संभालना है, गोभी की फसल में समय से पानी और खाद देना है। हमारे घर में कोई भी खेती की देखभाल करने के लिए नहीं है, इसलिए मैंने ये काम तुम्हें दिया है। हाँ साहब, हम आपके खेत की देखभाल बहुत अच्छे से करेंगे और गोभी की खेती इतनी अच्छी करेंगे कि आसपास के इलाके में ऐसी खेती नहीं हुई होगी। ठीक है, आज से इसे अपना खेत समझकर काम शुरू कर दो। रेखा के माता पिता ने गोभी की फसल की बहुत अच्छे से देखभाल की। नतीजा ये हुआ कि फसल बहुत ही अच्छी होगी। चौधरी भी समय समय पर उन्हें पैसे दे देता था और उनका काम अच्छा चल रहा था। मगर कुछ ही महीने के बाद चौधरी की तबीयत खराब हो गई और वो पैसे देने में सक्षम नहीं रहा। मुझे माफ कर दो भाई, मैं इस बार तुम्हारे पैसे नहीं दे पाऊंगा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, इस कारण गोभी बेचने नहीं जा पा रहा हूँ। कोई बात नहीं साहब, आप पैसे मत दो, आप जल्दी से ठीक हो जाओ तब पैसे दे देना, और यदि आप कहो तो हम ही गोभी को बाजार में बेच देंगे। भाई, अगर आप ऐसा कर दोगे तो मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, मैंने गोभी की फसल में बहुत पैसा लगा दिया, अगर ये अभी नहीं बिकी तो काफी नुकसान होगा। ठीक है साहब, हम इसे बेच देंगे। रेखा की माँ बाहर आकर कहती है, अरे आप ऐसा क्यों कह रहे थे, हम गोभी बेच तो देंगे पर हमारे पैसों का क्या होगा, घर कैसे चलेगा, और अगर सही होकर भी उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए तो हम क्या खाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो, आज तक उन्होंने हमें समय पर पैसे दिए हैं, अब उनका समय खराब है तो क्या हम उनका साथ छोड़ दें, हमें उनकी भी मजबूरी समझनी चाहिए। रेखा के माता पिता अब गोभी को बाजार में बेचने लगे और सारे पैसे चौधरी को देने लगे। अब उनके घर के हालात बहुत बिगड़ रहे थे,
दूसरी तरफ चौधरी के सारे पैसे उसके इलाज में लग रहे थे। थोड़े दिन में रेखा के परिवार के खाने के लाले पड़ गए। तभी उन्हें एक दिन चौधरी ने अपने पास बुलाया। भाई, आजकल कोई सगा भी इतना साथ नहीं देता जितना तुम लोगों ने दिया है। मेरी बीमारी में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, बिना पैसे के मेरे खेतों में काम किया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हो, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। मुझे लगता है अब मैं ज्यादा समय जिंदा नहीं रहूंगा, मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब से तुम लोग मेरे खेतों को संभालो। आज से मेरे सारे खेत तुम्हारे हुए। साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, बस आप आराम करो। नहीं नहीं, अब मैं सही नहीं होऊंगा। अब मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी सारी अस्थियां मेरे खेतों में ही डाली जाए, मेरे खेत ही मेरा सब कुछ है। चौधरी के इतना कहते ही उसके प्राण उसके शरीर से निकल जाते हैं। रेखा के माता पिता उनका अंतिम संस्कार करते हैं और जैसा चौधरी की इच्छा थी उनकी अस्थियां खेत में डाल दी। एक दिन रेखा के माता पिता खेत में काम करते हुए बात कर रहे थे। अजी सुनो, ये खेत तो चौधरी जी ने हमें सौंप दिए, पर आप तो जानते हो ना कि हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो हम गोभी की खेती कर सकें। हमने तो सारी गोभी तोड़कर बाजार में बेच दी थी, अब तो सिर्फ थोड़ी जगह ही गोभी बची है, पर इससे तो इतने पैसे नहीं आएंगे कि हम आगे भी खेती कर सकें। तुम कह तो सही रही हो, पर क्या कर सकते हैं, सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा ही होगा। अजी, आज घर में ना कोई भी सब्जी नहीं है, तो मैं गोभी को यहीं से तोड़कर ले जाती हूँ, कम से कम आज का काम तो चलेगा, फिर बाद में सोचते हैं कि क्या करना है। वो दोनों एक गोभी तोड़कर घर ले जाते हैं। रेखा की माँ खाना बना रही होती है। अरे, इससे अच्छा तो मैं एक और गोभी तोड़ लेती, कम से कम सब्जी तो अच्छे से बन जाती। उसके ऐसा बोलते ही गोभी दुगनी हो जाती है। अरे, ये क्या हो रहा है, अभी तक तो एक गोभी थी, ये दुगुनी कैसे हो गई? मैं दोबारा बोलती हूँ, काश मेरे पास और गोभी होती। रेखा की माँ के ऐसा बोलते ही गोभी से दो की चार हो गई। ये चमत्कार देखकर रेखा की माँ रेखा और उसके पापा को बुलाकर लाती है। अजी देखो, मैं एक गोभी लाई थी और अब यहाँ पर चार गोभी हो गई, ये जादुई गोभी है। तुमने मुझसे छुपकर चार गोभी ही तोड़ ली होंगी, मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम लालच कर गई होगी। अरे नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, देखो अभी दिखाती हूँ, काश हमारे पास और गोभी होती। गोभी दो और बढ़ जाती है। अरे वाह, ये तो जादुई गोभी है। फिर रेखा के माता पिता खेत में जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि पूरा खेत गोभी की फसल से भरा हुआ था। उन्होंने एक गोभी तोड़ी, तुरंत ही वो जादुई गोभी के कारण दो हो गई। अजी, लगता है हमारी गरीबी देखकर भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमें अब अपना काम शुरू करना चाहिए। ये भगवान के साथ साथ चौधरी साहब का भी साथ है, आज उन्हीं के कारण ये गोभी जादुई गोभी बन गई है। फिर रेखा के पिता जादुई गोभी की फसल की खेती करते रहते हैं, उन्हें बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। उनके खेत में कभी भी गोभी खत्म ही नहीं होती थी। धीरे धीरे मेहनत करके वो अपना अच्छा सा बिजनेस कर लेते हैं और अपना घर भी बना लेते हैं, और वो दोनों रेखा की भी अच्छे से परवरिश करते हैं। अरे ये क्या, एक भी मछली नहीं पकड़ पाया, जाल को दोबारा फेंक कर देखता हूँ। कुछ ही देर में, अरे जाल तो भारी है, वाह वाह, लगता है इस बार कोई बड़ी मछली जाल में है, अभी खींचता हूँ। अरे ये क्या, मेरा जाल ही टूट गया, अब मैं क्या करूँगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे कुछ और करना होगा। और गोविंद घर के बाहर से रस्सी और डंडा लेकर मछली पकड़ने के लिए कांटा बनाता है। ये ठीक है, अब इससे मछली पकड़ता हूँ। दोपहर हो गई थी, सब लोग मछली पकड़कर जा रहे थे। अरे गोविंद, अभी तक कोई मछली नहीं पकड़ी, और ये क्या लेकर मछली पकड़ रहे हो, तुम्हारा मछली पकड़ने का जाल कहाँ है? मेरा जाल तो पूरा टूट गया है, इसलिए इस कांटे से मछली पकड़ रहा हूँ। तो नया जाल क्यों नहीं ले लेते? जाल लाने के लिए इतने पैसे कहाँ है मेरे पास, तुमने तो आज अच्छी खासी मछली पकड़ी है।
हाँ हाँ आज तो अच्छी कमाई होगी। और वो आदमी मछली बेचने के लिए चला जाता है। सुबह से शाम होने को है, अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी। गोविंद दुखी होकर अपने घर जाता है। रास्ते में सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, अगर खाली हाथ जाऊंगा तो सुधा घर में घुसने नहीं देगी। अरे भाई मेरे पास आज पैसे नहीं है, क्या ये सूखी हुई सब्जी उधारी मिल सकती है क्या? वैसे भी इसे कोई नहीं लेगा, मैं जल्दी तुम्हारे पैसे दे दूंगा। ले जाओ लेकिन उधार जल्दी चुका देना। हाँ हाँ मैं जल्दी ही तुम्हारे पैसे दे दूंगा। और गोविंद सब्जी लेकर घर आ जाता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान कहाँ हो तुम? क्या है क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या तुम आज भी खाली हाथ ही आए हो और ये सूखी घास सब्जी क्यों लेकर आए हो? क्या बताऊं, आज मेरा जाल टूट गया था इसलिए कांटा बनाया था, लेकिन आज इससे भी कोई मछली नहीं पकड़ पाया। क्या कोई मछली नहीं मिली? तो ऐसे फिर हम क्या खाएंगे? मुझे लगा था मछली बेचकर कुछ पैसे कमाओगे और घर का राशन लाओगे, लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो। अरे ये देखो ना मैं सब्जी लाया हूँ, ये लो इसे पका लो, आज हम यही सब्जी खा लेंगे। ये सब्जी है? सूखी हुई बेकार खराब सब्जी को तुम सब्जी बोल रहे हो? और सुधा उस सब्जी को घर से बाहर फेंक देती है। जब से शादी करके तुम्हारे घर आई हूँ मेरी जिंदगी ही खराब हो गई है। सुधा की बातों से गोविंद बहुत दुखी हो जाता है। और अगले दिन गोविंद सुबह सुबह उठकर मछली पकड़ने चला जाता है। आज तो मछली पकड़ कर ही घर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गोविंद नदी के किनारे पहुंचता है और अपने कांटे से मछली पकड़ने का प्रयास करता है। कुछ देर के बाद, अरे लगता है कोई मछली फंस गई है, बोला था ना आज तो मछली पकड़ कर ही घर जाऊंगा। गोविंद कांटा बाहर करता है। इस बार बड़ी मछली फंसी है, शुक्र है भगवान मुझे आज मछली मिल गई, अब तो सुधा भी खुश हो जाएगी। गोविंद मछली को पकड़कर बहुत खुश था। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बेटा बेटा मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया, मैं भूख से मर रही हूँ बेटा, मुझे ये मछली दे दे। अरे नहीं नहीं मैं ये मछली नहीं दे सकता। बेटा मैं भूख से मर जाऊंगी, मुझे ये मछली दे दो। अगर मेरा कोई तेरे जैसा बेटा होता तो मैं ऐसे भूख से नहीं मर रही होती। मैंने भी सुबह से एक ही मछली पकड़ी है, अगर मैं ये भी आपको दे दूंगा तो मेरे पास और कुछ भी नहीं बचेगा। बेटा तुम कुछ और मछली पकड़ लेना, देखना भगवान तुम्हें बहुत देंगे। ठीक है इस मछली को आप रख लो, मैं और मछली पकड़ लूंगा। ये लो इसके बदले मैं तुम्हें ये कटहल का पौधा देती हूँ। और वो औरत गोविंद को कटहल का छोटा सा पौधा देती है और गोविंद से मछली लेकर वहाँ से चली जाती है। गोविंद पूरा दिन कांटे से मछली पकड़ने की कोशिश करता है। आज फिर खाली हाथ जाना पड़ेगा। और गोविंद पौधा लेकर घर आ जाता है। तुम आज फिर से कोई राशन नहीं लेकर आए? तो गोविंद उसको सारी बात बताता है। तुम तो बिल्कुल ही पागल हो, तुमने उस बूढ़ी औरत को वो मछली दे दी और उससे ये पौधा लेकर आए हो। भगवान ये आदमी तो बिल्कुल मूर्ख है, तुम भला इस पौधे का क्या करोगे? न जाने ये पौधा कब बड़ा होगा और कब ये कटहल के फल देगा, तब तक तो न जाने हम ऐसे भूखे रहकर बचेंगे भी या नहीं। मैं सुबह ही अपने मायके जा रही हूँ, अब तो तुम जैसे भिखमंगी के साथ में रह ही नहीं सकती जो मुझे खाना तक नहीं दे सकता। सुना तुमने, मैं कल सुबह ही ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अगली सुबह जब गोविंद सोकर उठता है तो वो बाहर जाता है और बाहर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान जल्दी बाहर आओ। सुधा आंखें मलती हुई बाहर आती है। अब क्या देख लिया तुमने जो इतना चिल्ला रहे हो? सुधा जैसे ही देखती है उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कटहल का छोटा सा पौधा अब एक बड़ा पेड़ बन गया था और उसके ऊपर बहुत सारे कटहल लगे थे। ये तो कोई जादू ही कटहल का पौधा है, अब हम इन्हें बाजार में बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। हे भगवान उस बूढ़ी औरत के रूप में आकर आपने ही मेरी मदद की है और मुझे ये पौधा दिया है,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। भगवान आपने तो हमारी बहुत मदद कर दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब गोविंद पेड़ से कटहल तोड़ता है और उन्हें सब्जी मंडी जाकर बेचता है और कटहल के बदले उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। अगले दिन जब वो दोनों उठते हैं और देखते हैं जहाँ से उन्होंने कल कटहल तोड़े थे उनकी जगह वैसे ही बड़े बड़े कटहल लगे हुए थे। सुबह देखो यहाँ, हमने कल यहाँ से कटहल तोड़े थे लेकिन उनकी जगह आज फिर से बड़े बड़े कटहल लगे हैं। जी ये तो कोई जादुई कटहल का पेड़ है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये कोई जादुई कटहल का पेड़ है। अब हम इन्हें रोज सब्जी मंडी तोड़कर बेच सकते हैं। हाँ अब हम कटहल का ही व्यापार करेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने, अब हम कटहल का ही व्यापार करेंगे।